Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome back to another video. कैसे हो आप सब? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ. So, आज मैं एक और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की वीडियो लेकर आई हूँ. मेरी दोस्त की शादी हर्षिया की एंड उसके लिए मुझे एक प्यारा सा आउटफिट बनाना है. आई थॉट आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी. इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, मेरी एक दोस्त की शादी थी तब भी, तो मैंने उसका भी एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया है. आप लोगों ने वो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ब्लैक कलर का सूट बनाया था मैंने एंड अभी भी मैं एक आउटफिट बनाने जा रही थी. मैं जिससे बना रही थी आउटफिट वो मैं आपको दिखाती हूँ. एक दुपट्टा है, उसी से मैं एक आउटफिट बनाऊंगी. उसी से नहीं, उसी से इंस्पायर होके, मतलब दुपट्टा तो है मेरे पास में, मुझे उसका नीचे के लिए कुछ बनाना है. मुझे उसके लिए नीचे में शरारा जैसा कुछ तो भी बनाना है. सोचा है कि उसके लिए शरारा बनाऊँ या फिर सिगरेट पैंट बनाऊँ या फिर जो फ्लेयर्ड वाली पैंट आती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँ कि मेरी कैसी इंस्पिरेशन है. तो मार्केट जाते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है एज यूजल, इसलिए मैंने अपना स्वेटर पहन के रखा है. सो चलिए चलते हैं मार्केट एंड मैं अभी वहाँ से क्या लेकर आऊँगी वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में. वीडियो का एंड तक देखेंगे. वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं इंस्पिरेशन यहाँ पे लगा दूंगी कि मैं किस टाइप से सोच रही हूँ सूट बनाने का. सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई थी शॉपिंग पे फैब्रिक की एंड यहाँ से मेरे को अस्तर का कपड़ा देखना था उसके लिए एंड उसके नीचे के शरारे का कपड़ा. तो मैं ये सैटरडे मार्केट आई थी, मैंने इसका अलग से एक वीडियो बना के डाला है कि वहाँ से मैंने क्या क्या लेकर आया है. तो यहाँ पे इस टाइप के कपड़े कलरफुल मिल जाते हैं. तो मैंने दुपट्टा नहीं लेके गई थी साथ में, बट मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा था कि मुझे किस टाइप का कलर चाहिए. तो ये मिलता जुलता मेहरून कलर था, तो मैंने इसका 5 मीटर लिया है. मैं सब कुछ जो भी मैंने कितना खर्चा आया है मैं लास्ट में डाल दूँगी वीडियो के, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा. तो ये मैं फैब्रिक ले रही थी 5 मीटर का शरारा बनाने के लिए. तो शरारा बनाने के लिए तो मैंने 5 मीटर लिया क्योंकि मुझे अच्छा घेर का शरारा चाहिए था. तो ये मैंने अलग से एक फैब्रिक लिया है मेहरून कलर का एंड इसमें थोड़ी सी शाइन थी. और ये आई थिंक मुझे 25 से 30 रुपये पर मीटर मिला है. एंड मैंने अस्तर के लिए भी यही से कपड़ा लिया है. ये नीचे से आप देख सकते हो मैं निकाल रही थी, तो मुझे अस्तर के लिए कुछ 4 मीटर कपड़ा चाहिए था, 2 मीटर कमीज़ के लिए एंड 2 मीटर शरारे के लिए, क्योंकि शरारे में आप कम भी लगाओ ना तो चल जाता है. जितना आप ले रहे हो उतने की ज़रूरत नहीं, मतलब जितना अगर आप फैब्रिक ले रहे हो शरारा बनाने के लिए तो उससे आप कम का अस्तर के लिए ले सकते हो. तो मैंने 3 मीटर अस्तर के लिए लिया एंड 5 मीटर शरारे के लिए लिया. तो यहाँ से मेरी ये शॉपिंग हो गई थी एंड ये इस टाइप से कुछ मार्केट लगती है. यहाँ पे कोई शॉप वॉप नहीं होती, मैंने इसको पहले भी वीडियो में बताया था. शॉप में काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं. तो ये थी मार्केट. यहाँ पे मैं आ गई थी अपने घर एंड मैंने क्या लेकर आया है अभी आपको थोड़ी देर से दिखाती हूँ. मैंने कमीज़ के लिए अलग से कपड़ा लेकर आया है एंड ये कुछ दुपट्टे थे जो कि मैंने शॉपिंग की थी. एंड ये है जी जो मैंने कपड़ा लेकर आया है उसके लिए, सामने के कमीज़ के लिए. एंड इसका ना कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेहरून कलर. इसके ऊपर जो काम है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर ऐसे लाइन लाइन में हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है. ये दुपट्टा था जिसका मैचिंग का मैं मतलब बना रही हूँ सूट. ये दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी है, बस मैं इसके नीचे का एंड शरारा इसका मैच करके बना रही थी. बट मेरे से गड़बड़ हो गई कि इसका कलर ना थोड़ा सा बिल्कुल 19-20 का फ़र्क हो गया है, मतलब थोड़ा सा कलर ना इसका डार्क हो गया है दुपट्टे से. अभी मैं आपको दिन में भी दिखाती हूँ. तो ये कपड़ा लेकर आया था मैंने, ये आई थिंक मैंने 1.5 मीटर लाया है क्योंकि मुझे कमीज़ के लिए ही चाहिए था एंड आस्तीन पे आ जाए बस. और पीछे के लिए तो मैं दूसरा कलर का कपड़ा लगाऊंगी. ये दुपट्टे से ना थोड़ा सा लाइट आ गया है, बट उतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा था. थोड़ा सा लाइट आ गया है क्योंकि मैं दुपट्टा साथ लेके नहीं गई थी, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कपड़ा मैच होएगा कि नहीं होएगा. आप ऐसी गलती मत करेंगे. अगर आप लोग कुछ भी बना रहे हो ना तो उसको अपने साथ में लेके जाइए, मैचिंग का कपड़ा साथ में लेके जाइए. तो मैं को यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आपको थोड़ा सा लग भी रहूँगा ये कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है, बट फिर भी मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था. अब क्योंकि मैंने लेकर आया है तो मुझे इसको बनाना तो है. ये दुपट्टा है, ये कमीज का कपड़ा है. कपड़ा जो है ये मैंने शरारे के लिए लेकर आया है, इसमें भी बहुत अच्छी शाइन है. ये मैंने अस्तर के लिए लेकर आया है कपड़ा. तो ये टोटल सारा कपड़ा हो गया जितना मुझे ज़रूरत थी था. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे लेस चाहिए इसके लिए, तो मैं लेस घर पे ही बनाऊंगी. इसके लिए मैं ख़रीद के नहीं लाऊंगी बाहर से, बिकॉज वो और महंगे में चले जाता है, इतना बजट नहीं है. और मुझे इतना मतलब एक्सपेंसिव सूट भी बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसी का कुछ बनाऊंगी. तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए कि मैंने इसकी लेस कैसे तैयार की है इसी कपड़े से. अब मैं इसकी लेस बनाऊंगी इस कपड़े से, क्योंकि मुझे इतना कपड़े की ज़रूरत नहीं है सिर्फ, क्योंकि मुझे सिर्फ सामने के लिए ही चाहिए था तो ज़्यादा हो गया कपड़ा. तो इसलिए मैं इसके बचे हुए कपड़े से लेस बनाऊँगी. तो लेस कैसे बनाऊँगी ये भी आप लोग देखिएगा.
सो यहाँ पे मैंने इसकी इस टाइप से पट्टियाँ कट कर दी है आधे कपड़े की। आप देख सकते हो मैंने कितनी चौड़ी पट्टियाँ काटी है, एंड मैंने ये कम से कम 10 पट्टियाँ काटी होंगी इस टाइप से। तो क्योंकि मेरे को इसको लंबी लेस बनानी है तो मैंने लंबी लंबी जैसी थी वैसे डिज़ाइन कट कर दी, एंड ये काफ़ी चौड़ी है पट्टियाँ है आप देख भी सकते हो। तो इस टाइप से अब मैं क्या करूँगी, इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने सारी 10 से 11 पट्टियाँ जो थी इसको मैंने इस टाइप से कट कर लिया है, और अब मैं इन सारे पट्टियों को इस टाइप से फोल्ड कर लूँगी। तो वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से इन दोनों को फ़ोल्ड किया है लेस के जैसा, जो छोटी लेस आती है ना उस टाइप से। मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी तो ये मेरी एक बहुत सही लेस बन जाएंगी। इस टाइप की लेस अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो आपको आराम से 30 से 40 रुपये पर मीटर मिल जाएंगी। तो अगर मैंने ये 10 भी पट्टियाँ काट ली है तो आप समझ जाओ कि, क्योंकि ये 1 मीटर का कपड़ा था तो मैंने 1 मीटर की लेस से 10 मीटर की लेस, मतलब 10 मीटर की लेस मैंने तैयार कर ली है खुद से। क्योंकि मैं इसको शरारे पर लगाऊँगी तो मुझे 10 मीटर की लेस काफ़ी हो जाएंगी। अपना सूट कट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने सूट कट कर लिया, इसका अस्तर कट कर रही थी। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ही कमीज़ रखा था क्योंकि उसमें मुझे बहुत लॉन्ग लॉन्ग कमीज़ मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन शॉर्ट कमीज़ कोई नहीं था, तो मैंने सोचा शॉर्ट कमीज़ काटते हैं। एंड इसके नीचे का जो कमीज़ है उसको अलग से मैं काट रही हूँ। मतलब मैंने 4 कपड़ा काटा है ऐसा, एक अस्तर का एंड एक ऊपर का। काफ़ी मतलब हेडेक हो गया था, मैं पहली बार अस्तर का कपड़ा सिल रही थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी मैंने इसको कट कर लिया आराम से। पीछे का भी मैंने कट कर लिया एंड सामने का भी कट कर लिया। अब यहाँ पे स्टिचिंग कर रही थी मैं, पहले मैंने गला बनाया सबसे पहले क्योंकि गला ही मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है बनाने में। तो यहाँ पे पहले मैंने सादा कमीज़ के ऊपर बनाया गला, उसके बाद अस्तर को ज्वाइन करा इसके साथ में, एंड फिर भी मेरे से ना गला थोड़ा सा बड़ा बन गया था इसका, लेकिन बाद में मैंने ठीक कर लिया क्योंकि मुझे 4-5 दिन लगे इसको बनाने में। मैंने एक दिन में ही कम्प्लीट नहीं किया इसको, पहले दिन तो मैंने सिर्फ गला ही बनाया था एंड उसके बाद मैंने जो है पूरा कमीज़ बनाया था। तो यहाँ पूरी सिलाई विलाई होकर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी मैं। सो ये मेरा फाइनल फिनिश लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट करके। सब ने बहुत तारीफ़ किए थे मेरे सूट की, मुझे बहुत पसंद आया था एंड बहुत कम बजट में बनाया है मैंने। टोटल बजट आपको मैं बता देती हूँ कि कितना लगा है इस पर। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।